आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। ये एक ऐसा फ्रेज मैं आपके सामने रखता हूं जिसका बेहद और बेहद उपयोग है। जब फालतू में किसी का नाम लिया जाता है किसी के सामने, तूने मेरा नाम प्रिंसिपल साहब के सामने वैसे ही ले दिया फालतू में, तूने अध्यापक महोदय के सामने मेरा नाम ले दिया, जबरदस्ती किसी का नाम घसीटना किसी के सामने, तूने पुलिस के सामने मेरा नाम बोल दिया मर्डर केस में, तूने उसके सामने ये कह दिया, उसके सामने ये कह दिया, उसके सामने मेरा नाम ले दिया, क्यों फालतू में? इस प्रकार की बातें जब आएंगी तो अंग्रेजी कैसे बनेगी? टेक ए नेम इन वेन, इन वेन माने फालतू में, फालतू में किसी बात में किसी का नाम लेना। वाई डिड यू टेक माई नेम इन वेन बिफोर हर? उसके सामने मेरा नाम फालतू में तूने क्यों ले लिया? बेकार में तू मेरा नाम क्यों ले देता है? हर जगह तू मेरा नाम ले देता है। अरे मैं तो वहां था ही नहीं और तूने मेरा नाम ले दिया। She always takes my name in vain. फालतू में वो हर जगह मेरा नाम हमेशा हमेशा मेरा नाम ले लेती है। It is not good to take somebody's name in a case. किसी केस में किसी का नाम लेना कितनी बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज डोंट टेक माई नेम इन वेन, फालतू में मेरा नाम मत लो। बिफोर द पुलिस, फालतू में मेरा नाम मत ले देना पुलिस के सामने, प्रिंसिपल के सामने, टीचर के सामने। बिफोर लिखना है द पुलिस है, पुलिस है तो द पुलिस लिख दिया, द प्रिंसिपल लिख दिया, द टीचर लिख दिया, माई फादर। अरे पिताजी के सामने मेरा नाम मत ले देना तू, माता जी के सामने मेरा नाम मत ले देना, बड़े भैया के सामने मेरा नाम मत ले देना, मुझे मत घसीटा इन चीजों में। तो जब देखें माई नेबर, मेरे पड़ोसी ने टुक माई नेम, मेरा नाम ले लिया इन वेन फालतू में इन द मर्डर केस, उस कातिलों का केस था, खून का केस था, और उसने मेरा नाम ले दिया फालतू में। तो ये किस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं आप जानते ही हैं कि कितने ज्यादा ये सेंटेंस बनाए जाते हैं और आपको उनकी अंग्रेजी नहीं आती है समय पर। कितनी सरल है, देखें आप खुद ही कितनी सरल है। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ब्लेस यू।